नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल छपरा पहुंचे थे, लोगों से मुलाकात किए और छपरा का निरीक्षण किए। साथ ही साथ जीविका दी को नसीहत दी गई, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला वहां से निकला तो युवाओं ने आक्रमित हो गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर और मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। इसके साथ अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं क्यों सारण में इस तरह से युवाओं में आक्रोश देखने को मिला। देखिए, पहले तो जीविका दीदी ने आक्रोश निकाला था वो अलग बात है, एक समाधान यात्रा में नीतीश कुमार समाधान के लिए निकले हैं, यानी उनको पता है कि समस्या वहाँ यहाँ, मतलब कि पिछले इतने सालों में जो हमने कार्यकाल काम किया है उसमें कई समस्याएं आ चुकी है, क्योंकि उन्हीं के विधायक उन्हीं के मंत्री जिस प्रकार से बातें रख रहे थे और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे थे सरकार के ऊपर, तो उन्हें ये बातें समझ में आ रही थी। और जो NDA को छोड़कर जाने के बाद जो वो लगातार घूमने का एक चल रहा था उनका, कि बिहार में पहले घूमें या बिहार के बाहर घूमें, जो PM पद के लिए जो एक चलते रहता है कभी कभी स्वप्न, उसके कारण से भी यात्रा, तो इसमें जो आक्रोश हो रहा है उसमें सबसे बड़ा जो आक्रोश भरा हुआ है वह बेरोजगारों का है। उनको रोजगार नहीं है और वो दिन भर करें क्या, मोबाइल चलाते चलाते, मतलब 3-4 साल चला, इतना फ्री का नेट उट आया, इतना सस्ता डाटा हो गया कि भाई अब तो वहाँ पर लोगों को अब रोजगार चाहिए। इन सब चीज़ों से अब ऊब चुके हैं और ऊब चुके हैं तो वो अब मांग करेंगे। जो 2005 के बाद के जो बच्चे हैं, यानी 2000 के बाद जो हैं, वो अब 20-22 साल के हो चुके हैं, तो भाई अब उन्हें ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तमाम चीज़ें कर चुके हैं, तो उसी में एक आता है कई जो फॉर्म है BSSC 8-9 सालों तक उसकी चयन प्रक्रिया चली या चल रही है। अब फिर BSSC का इसी बार एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया, BPSC 64वीं 65वीं 67वीं, मतलब जब भी होता है पेपर लीक, सेटिंग एटिंग, ये IAS वो ये तमाम जो ये लोग हैं, सेटिंग एटिंग का भी आरोप लगता है, तो ये आरोप सरकार के ऊपर लगा और सरकार के मुखिया कौन है, नीतीश बाबू हैं, तो सीधे तौर पर है कि नीतीश कुमार के प्रति आक्रोश है। फिर उनका देख लेंगे कि पलायन, जैसे कोरोना में जो इधर पलायन लोग आने लगे अलग अलग शहरों से पैदल चलते, तो वो एक अलग स्थिति बिहार की देश और दुनिया में दिखाने लगी, तो इसके लिए भी नीतीश कुमार में आक्रोश है कि ना ही वह पलायन रोक पाए और ना ही जो वापस गए हुए थे लोग तो वो आ ही नहीं पाए, तो पलायन ही नहीं रोक पाए तो वो आएंगे वापस कैसे। और जो वादे उन्होंने 5 के वक्त जो नीतीश कुमार में एक नेतृत्व कौशल दिखा था, तो 5 से 10 में वो लोगों ने देख लिया, 10 के बाद लगा कि कुछ और चीज़ें होगी, मगर वैसा नहीं हुआ। 13 के बाद से अब तक नीतीश कुमार कभी इधर कभी उधर जाकर अपना कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इमेज जो है वह दल बदलू का बना लिए हैं, पलटू चाचा ऐसे कई नाम से उनको संज्ञा दे दी गई है। तो ये कई कारण हैं जिससे लोगों में आक्रोश है, और वो आक्रोश जब नीतीश कुमार सड़क पे निकलते हैं तो जो अपेक्षाएं 5 के पहले थी नीतीश के लिए और जो 10 में जो उनको मैंडेट मिला वो कोई साधारण मैंडेट नहीं था, 85% सीटें नीतीश कुमार जी ने जीत लिए थे और BJP भी 91 सीटें उस वक्त जीती थी और नीतीश जी भी 116 से ज़्यादा सीटें जीते थे। तो ये मैंडेट जो 2010 का मिला वो इसलिए मिला कि आपने बेहतर काम किया और बेहतर करिए, मगर 10 से 15 में क्या काम हुआ और 15 से 20 में क्या काम हुआ और 20 से अभी तक क्या काम हो रहा है। हाल ही में छपरा ही में ये घटना, छपरा का है आपका, छपरा का ही है जीविका दीदी वाला, हाँ वहाँ उनका, वहाँ छपरा में ही जहरीली शराब से कितनी मौतें हुई, ये वो आंकड़ा, कई आंकड़ा ऑफिशियली आंकड़ा 80-90-100 तक जाता है, ऐसे 150 तक जाता है, 2-4 मौतों को लोग मतलब आंकड़े में नहीं शामिल कर पाए, ये भी एक कारण रहा और आक्रोश सब सड़कों पे दिखा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि युवाओं में जो आक्रोश देखने को मिला क्योंकि छपरा में सैकड़ों जहरीली शराब का सेवन करने से मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार मुआवजा देने से भी इनकार कर दिए, और शायद हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो बयान दिए थे नीतीश कुमार, पियोगे तो मरोगे ही, कहीं इस बयान से युवाओं को तो आहत नहीं पहुंची है। बिल्कुल आहत पहुंचेगी, कोई भी राज्य का राजा, एक तरह से राजा ही कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में भाई यहाँ पे मुख्यमंत्री को बहुत ताकत दी गई है, देश में प्रधानमंत्री को, तो जब राजा इस प्रकार का बात बोलेगा तो ये एक तानाशाही वर्ड का मतलब शब्द का एक भूमिका बना लेता है कि पियोगे तो मरोगे ही, हम क्या करें ये वो, तो जैसे घर का कोई गार्जियन कोई बच्चा के बारे में कोई कुछ कह दे तो वो भी बागी हो जाएगा कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम निकलो ऐसे वैसे, तो वहाँ से ही तो नीतीश कुमार के प्रति आक्रोश कई बातों को लेकर है। विधानसभा में जिस प्रकार से वो विपक्ष के लिए व्यवहार किए, वो तो अब RJD के विधायक कह रहे हैं
कि नीतीश कुमार को आप लोगों ने छूट दे दिया, आप लोगों ने 17 सालों तक रखा, ये आरजेडी विधायक का कहना है। तो सोच सकते हैं जो उनके साथ हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो जो इनको वोट दिया वो तो अगली बार किसी और को दे सकता है, तो जब वो इस तरह की बातें कर रहा है तो ये और भी विभीषिका वाली स्थिति बनाती है नीतीश कुमार के खिलाफ। अच्छा, अगर हम बेरोजगारी पर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार में आए हैं तब से 10 लाख की बात हुई थी, लेकिन अब उन्होंने 19 लाख कर दी है, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं को तो सराहना मिल रही है ना कि युवाओं को जल्द ही रोजगार मिलेगी, तो उनको धैर्य रखनी चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार के पास रोजगार के लिए कोई प्लान है नहीं, और जो वो प्लान मतलब कि दिखलाए या बतलाए वो खुद ही 13,000 की वैकेंसी लेने में 9 साल लगा दिए, यानी कि उनकी मंशा साफ है कि रोजगार उनके पास नहीं है। और बार बार वो कहते हैं गरीब राज हैं, हम वेतन कहाँ से देंगे, जो पहले से जैसे जीविका दीदी का क्या समस्या है, यहाँ पे डकबंगला चौराहा के पास भी देखे होंगे पिछले साल आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, तो उनका मुआवजा जो है वो नहीं बढ़ रहा है, उनका पहले से जितना दिया जा रहा है वो वही उनका मांग है कि हम इतने में कैसे रहेंगे नीतीश बाबू। और बड़ी उन लोगों का कहना था कि वोट भी हम आप ही को देते हैं और देंगे, मगर पहले आप कुछ दीजिए। तो नीतीश बाबू का सरकार और ये सब तरीके से जवाब आता है कि भाई हम तो गरीब राज्य हैं, ये वो जितना दे रहे हैं और बढ़ाएंगे। और STET का जो बहाल किए, वो सब शिक्षक तो खुद ही सड़क पे आते हैं बार बार कि हमको पुरानी वेतन जो मिल रहा है, एक ही स्कूल में 2 शिक्षक, तो कई चीज़ों से उनके प्रति आक्रोशात्मक हो जा रहे हैं लोग, जो उनके नियुक्त किए गए लोग हैं वही लोग बागी हो जा रहे हैं, वही लोग वेतन का मांग कर रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है नीतीश कुमार के लिए। चलिए, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा रविकांत जी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा कितना सफल रहेगा? देखिए, क्या लगता है, कोई भी नेता जब जनता के बीच में जाते हैं तो ये तो अच्छा काम है, और वो जैसे जो 150 दशकों का उन्होंने कार्यकाल बिताया, वो कह सकते हैं कि वो कहीं भी रहें, किसी भी दल में रहें, वो अपना नेतृत्व कौशल उनका दिख जाएगा। वो अभी भी अगर मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे तो भी उनका बिहार की राजनीति में प्रभाव रहेगा, और जनता में अभी उनका लोकप्रियता घटा है, लोगों में एक आक्रोश बढ़ा है, जो उम्मीद थी उसमें नाउम्मीदी दिखी पिछले 10 सालों के कार्यकाल में, और सबसे बड़ी नाउम्मीदी तब दिखी जब वो मतलब कि इस वक्त इस्तीफा हुआ, कल होकर शपथ हो गया। तो इससे क्या है, भाजपा के समर्थक आक्रोशित हैं, इससे RJD के समर्थक आक्रोशित हैं कि भाई कब भाजपा में चले जाएंगे। ये दोनों तरफ जो बैलेंसिंग है, बिहार में 3 कोण है राजनीति का, RJD, JDU और BJP, तो दोनों का समर्थक इनसे ज़्यादा है, JDU से ज़्यादा वोट BJP और RJD के पास है 2015 के बाद से, 2010 में ये सबसे बड़ी थे, मगर अब तो दो आक्रोश जब मिलता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक कह सकते हैं कि काफ़ी मुश्किल कर देगा। सड़क पे जब इनका कोई भी निकलेगा JDU का, नीतीश कुमार या कोई भी, तो वो खुलेआम उसका विरोध करेंगे। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत जी, जिन्होंने समाधान यात्रा को लेकर क्या कुछ बताया वो आपने देखा। देखिए, कल जिस तरह से छपरा पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उस दौरान जहां एक तरफ उन्हें प्यार मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि छपरा में जिस तरह से जहरीली शराब से सैकड़ों की मौत हुई है, उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं वहाँ के लोग नीतीश कुमार को मानते हैं। और उस दौरान जब नीतीश कुमार कल छपरा पहुंचे तो युवाओं का आक्रोश सड़क पर देखने को मिला और उनके एक काफिला पर हमला किया गया। तो फिलहाल देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, तमाम अपडेट के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।